तो आज हम बात करेंगे सनग्लासेस के बारे में जो रनिंग में या किसी स्पोर्ट्स में यूज होते हैं। सबसे पहले हम फ्रेम की बात करते हैं। रनिंग में क्या होता है, हमेशा प्लास्टिक का फ्रेम यूज होता है। मेटल का फ्रेम इसलिए नहीं यूज होता है क्योंकि वो थोड़ा हैवी होता है, रनिंग करते वक्त कंफर्टेबल नहीं आप रहते, नीचे गिर जाता है वो जल्दी, ठीक है, जैसे आप रनिंग करते हैं। प्लास्टिक का जो फ्रेम होता है काफी उसका जो वेट होता है कम होता है और कंफर्टेबल होता है, टिका रहता है आंखों के ऊपर, इसलिए प्लास्टिक का फ्रेम यूज किया जाता है। अब सबसे मेन बात, लेंसेज कौन से यूज किए जाते हैं, ये जो आप लेंसेज लगे हुए देख रहे हैं ये हमेशा पोलराइज्ड लेंस यूज किए जाते हैं रनिंग में। इनका फायदा ये है, एक तो आपको जो विजन होता है वो पूरा क्लियर दिखता है। जैसे हम 9:30 बजे कोई वर्कआउट करते हैं उस समय जो धूप होती है पूरी तिखी होती है, तो जो यूवी रेज निकलती हैं, जो किरणें निकलती हैं यूवी रेज, उनसे हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, हमारी आंखें कंफर्टेबल रहती हैं, ज़्यादा लोड नहीं पड़ता आंखों के ऊपर, सर वगैरह नहीं दर्द होता। अगर आप बिना चश्मे के जैसे हम धूप वगैरह में रनिंग करते हैं तो आंखें आपकी जो थोड़ी थोड़ी होती है वो बंद होती है, जिसकी वजह से हमारा कुछ 15-20 मिनट बाद सर वगैरह दर्द होने लग जाता है। तो जो पोलराइज लेंस होते हैं ये उन रेज से हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करता है, हमारा सर दर्द वगैरह इन चीज़ों से हमारा बचाव रहता है। अगर आप 200-250 वाला नॉर्मल हम जैसे चश्मा ले लेते हैं वो भी आपको धूप से बचा लेता है, लेकिन 15-20 मिनट बाद आपका उससे भी जो सर दर्द वगैरह होने लग जाएगा, क्योंकि वो यूवी रेस जो होती हैं हमारी आंखों को उनसे प्रोटेक्ट नहीं करता। इसलिए प्रोटेक्शन के लिए पोलराइज्ड लेंस यूज़ किए जाते हैं जो मैंने इस समय लगा रखे हैं, इनसे विजन क्लियर रहता है, ठीक है। दूसरा, रेज से हमारी आंखों जो यूवी रेज होती है हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करता है, आंखें हमारी होती हैं जो वो कंफर्टेबल रहती हैं। नॉर्मल चश्मे में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, सिर्फ आपको धूप से बचाएगा, 15-20 मिनट बाद आपका सर दर्द होने लग जाएगा वर्कआउट करते हुए, इसमें हमारी आंखें पोलराइज्ड में कंफर्टेबल रहती हैं, ठीक है। हमेशा याद रखें प्लास्टिक का फ्रेम यूज होता है, पोलराइज्ड लेंस स्पोर्ट्स में यूज होते हैं, चाहे आप साइकिलिंग करते हैं आप रनिंग कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ जो फ्रेम का डिज़ाइन है वो अलग हो जाएगा। साइकिलिंग में क्या होता है कि पीछे एक स्ट्रिप लगी होती है वो यूज़ हो जाती है, इस तरह के फ्रेम भी यूज़ हो जाते हैं, लेकिन जो लेंसेज होते हैं हमेशा पोलराइज्ड यूज़ होते हैं। हमेशा याद रखिए, अगर आप रनिंग के लिए सनग्लासेस लेना चाहते हैं पोलराइज्ड लेंसेज लीजिए। ये प्लास्टिक का फ्रेम होता है या कुछ और मटेरियल होता है, कभी भी मेटल जो होता है उसका फ्रेम मत लीजिए, उसमें आप रनिंग जो होती है आपकी वो कंफर्टेबली आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सनग्लासेस के बारे में आपको जानकारी दी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हाई जंप रनिंग वेट लॉस को लेकर अगर आपकी कोई क्वेरी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। तो बहुत जल्दी नई वीडियो में दोस्तों मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस।